टीवी सीरियल महाभारत में युधिष्ठिर और अर्जुन का पात्र निभाने वाले कलाकारों द्वारा आज श्री हरमंदिर साहब में माथा टेका गया तथा इस मौके पर श्री हरमंदिर साहब में नतमस्तक होकर पुलवामा में मारे गए शहीदों के लिए आत्मिक शांति के लिए अरदास की। वही पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गुरु के बुलावे पर वे यहाँ आए हैं तथा यहाँ पर आकर उन्हें हिम्मत व ताकत मिली है। वही उन्होंने सिद्धू पर बोलते हुए कहा कि सिद्धू जो पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत के लिए कह रहे हैं वो गलत है तथा ऐसी सलाह मत दीजिए कि देशवासी आपका विरोध करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। वही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। आप पार्टीशन के पहले अगर चले जाए तो हम लोग सब एक थे, लेकिन जब ये पार्टीशन हुआ उसके पश्चात जिस तरह से उन लोगों ने हम लोगों को वर्गलाया है, हम लोगों ने एक बड़े भाई के नाते या एक बड़े देश के नाते होते हुए हमने कभी उनको उस तरह का हर वक्त थपकारा है, हर वक्त उसको समझाने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से अभी अभी इन्होंने कहा है कि जब पानी सर से बाहर चला जाता है तो फिर उसको डुबोना या उसको अपनी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि वॉर इज़ नॉट द अल्टीमेट, क्योंकि वॉर होने से नुकसान तो दोनों तरफ होगा, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, और सेटबैक काफ़ी है। लेकिन कब तक सहनशीलता और एक हर चीज़ की एक अपनी मर्यादा होती है। हम लोगों ने जितना सहन करना था कर लिया, और आज अगर वो ये समझते हैं कि जब भी चाहेंगे वो थपकार के चले जाएंगे, तो ये मत भूलिएगा कि हम हिंदुस्तानी जो हैं वो बड़ा दमखम रखते हैं और जब हम अपनी आय पर आएंगे। ये अमृतसर वालों का, दरबार साहब का मेरे ऊपर एहसान है कि जब भी मैं इस क्षेत्र में होता हूँ तो मुझे बुलावा आता है, यहाँ मत्था टेकने का मुझे मौका मिलता है। मैं दरबार साहब की इस पवित्र पावन भूमि से आज एक दिल में ख्वाहिश लेकर आया हूँ कि यहाँ मत्था टेक कर मैं प्रार्थना करूँगा उन पुलवामा के हमारे बलिदान जिन सैनिकों ने दिया है उनके परिवार वालों को। दरबार साहब से ये मांगूंगा कि उनको हिम्मत दे, ताकत दे, ये जो तकलीफ उन्होंने सहन की है देश के लिए। और मैं ये भी प्रार्थना करूँगा कि भारत सरकार ने जो वादे भारतवासियों से किए हैं वो जल्द से जल्द पूरे हों और देश की सेना को और ताकत मिले। और मुझे लगता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवासियों को एक यकीन दिलाया है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान पे अंदरूनी तौर पे अटैक शुरू हो चुके हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस विड्रॉ हो गया है, वहाँ का जो ड्यूटी परसेंटेज है वो बढ़ गई है, जिससे पाकिस्तान ऑलरेडी तकलीफ में आना शुरू हो गया है। और आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई नई खबरें मिल रही हैं जिसके माध्यम से पाकिस्तान बहुत तकलीफ में आता जा रहा है। और हर देशवासी के दिल में ये ख्वाहिश है कि एक बार तो पाकिस्तान पे अटैक हो ताकि हम उस भारत के उस नालायक बेटे पाकिस्तान को ये सबक सिखा सकें कि उसने जो किया है वो गलत किया है और उसका बदला भारतवासी लेकर आएंगे। सर, एक सिद्धू साहब से वीडियो जो बेहतर हुई उसके बारे में क्या? देखिए, सिद्धू साहब मेरे लिए वो सिम्बॉलिक व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने पाकिस्तान के फेवर की बात की थी। मैं सिद्धू साहब से एक सवाल करता हूँ कि सिद्धू साहब के साथ बहुत साल पहले एक हादसा हुआ था जहाँ उनके हाथों एक व्यक्ति की मौत हुई थी, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक चला और सुप्रीम कोर्ट ने उनको गुनहगार मानते हुए उन पर एक पेनल्टी भी लगाई थी। आज सिद्धू साहब पूरे देश को सलाह दे रहे हैं कि बैठ के बात करनी चाहिए। मैं सिद्धू साहब से पूछता हूँ कि उन्होंने उस व्यक्ति से बैठ के बात क्यों नहीं की थी, उससे झगड़ा क्यों किया था? तो सलाह देना बहुत आसान है, हम सिद्धू साहब को ये सलाह देते हैं कि देश के विरोध में कोई बात ना करें जिससे हमारे भारतवासियों को इस बात की तकलीफ हो कि हमारा ही अपना भाई जो है दूसरे देश के पक्ष में बात कर रहा है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, सिद्धू साहब को ये सलाह देना चाहूँगा, मेरे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी में, एक ही मंच पे खड़े होकर हमने दोनों ने पार्टी ज्वाइन की थी, एक ही तारीख में की थी, एक ही समय पे की थी। तो मेरा निवेदन यह है कि आप भारत के विरोध में या पाकिस्तान के सपोर्ट में बात ना करें। जागृति लहर के लिए अमृतसर से अमन महल की रिपोर्ट।